सो so यस मैंने एक वीडियो बनाया था काफ़ी टाइम पहले अपॉन माई ट्राईपॉड कलेक्शन और उसमें तो मैंने कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा एक और अपॉन माई माइक कलेक्शन सो दिस इज दैट वीडियो सो लेट्स स्टार्टेड टर एंड गायस आज हम बात हैं मेरे सारे माइक के बारे में एंड सिर्फ बात नहीं करूंगा मैं एक्चुअली उससे रिकॉर्ड भी करूंगा ताकि आपको उसका ऑडियो का क्वालिटी का पता चले एंड देन एट द एंड आई विल शो कि कौन सा माइक आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो नाव लेट्स गेट सैटरडे ऑल सो जो पहला माइक है इस लिस्ट का वो है ये बोया का एम माइक ट्रस्ट में ये मेरा पहला माइक था जो मैं लिया था नॉट पहला मेरा पहला एक और माइक था विच इज़ ऑफ टू हंड्रेड रुपीज़ ओनली उस बट वो मेरे पास अभी है नहीं इसलिए मैं उसका रिव्यू नहीं कर पा रहा हूँ तो जो मेरे पास एट प्रेजेंट है जो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा पाऊँ मैं सिर्फ उसी का रिव्यू करूँगा सो दैट आपको भी अच्छा खासा आइडिया मिले सो so, ये जो मेरा माइक है ये है बोया का M1 माइक एंड इसे मैंने जब से बाई किया मैं इसे बहुत ज़्यादा सेटिसफाइड हूँ ठीक है तो हम बात करते हैं इसके प्रोज़ के बारे में फिर कॉन्स के बारे में एंड देन इसके प्राइसिंग के बारे में सो so पहला तो इसका प्रो ये है कि अब देखो ये काफ़ी लंबा है ठीक है इसका लेंथ बहुत लंबा है कितना मीटर है मैं कहीं पर डाल दूँगा ओके बट ये काफ़ी लंबा है बहुत बेस्ट होता है कि मुझे कोई आइटम का या कुछ इसका रिव्यू या हल्का एक यू नो वाइड शॉट चाहिए होता है तो मैं अपने फ़ोन को हल्का दूर कर देता हूँ अपने बट सिंस तो इसका तार बहुत लंबा है तो मेरा ऑडियो यू नो दूर नहीं होता है ऑडियो आई कैन कीप इट नियर माई माउथ सो ये एक बहुत बड़ा प्रो लगता है मुझे मेरे लिए ठीक है सेकेंड इसका प्रो ये कि आपने सुना होगा या आप सुन रहे होगे कि इसका जो ऑडियो है वह हल्का लाउड आता है ओके मैं बोलता हूँ हल्का धीरे ही लेकिन सिंस मैं इसको अपने माउथ के पास रखता हूँ एंड ये खुद ही आपके ऑडियो को इन्हेंस भी कर देता है आई डोंट नो कैसे इसलिए इसका ऑडियो बहुत लाउड आता है लाउड होने से क्या होता है कि सिंस मेरा जो यू नो घर है वो एकदम रोड के सामने है तो बहुत बार यू नो कार और पार होते रहता है लेकिन इसका वॉइस इतना लाउड है कि वो बाहर करने को थोड़ा सा काट देता है एंड आप सिर्फ मेरा बात सुन पाते हो तो इसीलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ रिकॉर्डिंग समय थर्ड इसका ये है कि आप इसको कैमरा और फ़ोन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ एक यू नो स्विच का बटन दिया हुआ है यहाँ से आप यू नो कैमरा एंड देन फ़ोन के लिए स्विच भी कर सकते हो सो यू कैन यूज़ इट इन बोथ अब बात करते हैं कौनस के बारे में सो so, पहला कौन बोल लो कौन है यार ट्रिक है आई डोंट नो इसमें एक चीज़ डिफेक्ट है वो ये है कि अगर आप इस माइक को हल्का अपने से दूर रखोगे यानी अपने यू नो फेस से दूर रखोगे जैसे कि सपोज मैं इसको यहाँ पे एज़ अ कॉलर माइक यहाँ पर डालता हूँ एंड अगर तब तो मैं आपसे बात करूँगा तो ये बाहर का नोज़ या जब फैन चल रहा है उसका नोवाज़ कैप्चर करना शुरू कर देगा ठीक है एंड हल्का यू नो लाउडनेस भी कम हो जाता है इसमें लेकिन जैसे मैं इसको अपने मुंह के पास लाऊंगा ये ऑटोमेटिकली इसका वॉइस इंक्रीज़ हो जाएगा एंड ये बाहर का नोवाज़ को खुद ब खुद काटना शुरू कर देगा सो so, ये इसका ट्रिक है या कौन सी बोलूँगा मैं इसको तो सो so, इसका सेकेंड कौन तो मुझे समझ आ नहीं रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्स है नहीं लेकिन एक मैं आपको यहाँ पर वार्निंग दूंगा कि ये जो यू नो थ्री पॉइंट वाले जैक वाले माइक होते हैं ये सारे फ़ोन में काम नहीं करते हैं ठीक है आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सा फ़ोन में चलता है ऑफ़कोर्स इसका एक दो ऐप आता है लाइक ओपन कैमरा आप उसमें अगर लगा दोगे तो आपका काम करना लगेगा। लेकिन जो एक्चुअल नो कैमरा होता है आपके फ़ोन का उसका क्लैरिटी हल्का अच्छा होता है प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि आपका जो डिफ़ॉल्ट कैमरा है उसमें यह माइक चल जाए तो ये सब में यू नो सपोर्ट नहीं करता है तो आपको यू नो फोन लेने समय वो चीज़ चेक करना होगा दैट इज़ अ वार्निंग इट्स नॉट अ प्रो और अ कॉन एंड यह बोया एम वन का जो प्राइसिंग रहता है वो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है बट ऑलमोस्ट एट हंड्रेड के आसपास आप इसको मान लो मैं इसका बेस्ट बैलिंग के नीचे डाल दूंगा आप चेकआउट कर लेनाइज़ सो right so अब जो मेरा सेकेंड माइक है वो है ये वाला बोया का एम एम वन माइक ठीक है एंड ऑफ कोर्स जैसा कि देख पा रहे हो कि आप ई एम आई ये माइक के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लगा रहता है जो कि आपका बाहर का नोज को रोकता है ठीक है एंड ये मैंने बाई किया था एक्चुअली कि मेरा प्लान था व्लॉग करने का ओके okay. सो so इसमें क्या होता है ना कि आप इसको अपने फ़ोन के ऊपर वाले स्टैंड में लगा दो एंड देन यू कैन व्लॉग ईज़ली ठीक है तो मेरा वो फोकस था लेकिन फिर मैंने व्लॉग कभी किया नहीं तो इसका ज़्यादा यूज़ हो नहीं पा रहा है ठीक है बट ये भी काफ़ी अच्छा माइक है एंड अब बात करते हैं इसके प्रोज के बारे में ओके सो so, पहला प्रो का ये है किसी से कुशन ऊपर लगा हुआ है बहुत बड़ा सा ओके तो ये बाहर ना उसको बहुत ज़्यादा कट करता है काफ़ी बारी ऐसा होता है कि मुझे कोई एजुकेशन वीडियो या फिर कोई कोडिंग वाला वीडियो बनाना होता है तो मैं इसी को अपने लैपटॉप में डालता हूँ और मैं फ़ैन के स्पीड को भी कम नहीं करता हूँ लगभग फोर पे फैन का स्पीड रहता है एंड देन आई टॉक विद दिस माइक एंड यहाँ कर मैं उसको काफ़ी ज़्यादा काट देता है उस समय एंड सेकेंड इसका प्रो ये है कि ये काफ़ी अच्छे से आपके व्लॉगिंग के लिए यूज़ होता है इसको चुपचाप अपने फ़ोन के ऊपर लगा दो एंड इसका जो लेंथ है वायर का वो काफ़ी कम है तो सीधे उसको फ़ोन में डाल दो एंड देन यू कैन जस्ट टॉक ठीक है एंड इसमें एक और फीचर है कि आप इसको जितना दूर रखोगे एंड जितना ज़ोर से बोलोगे उतना ही आपका ये ऑडियो कैप्चर करेगा ठीक है ऑफकोर्स इसका भी एक डिस्टेंस का लिमिट है लेकिन ये आपका वॉइस को ऐसे कैप्चर कर सकता है लेकिन अगर आप वो बोया का एम वन माइक अगर ऐसे करोगे इतना दूर तो बाहर का सारा नॉइस ले लेगा और आपका नॉइज़ आएगा ही नहीं तो इसका मेन यही फीचर है कि नॉइस कैंसलेशन एंड एज अ व्लॉगिंग माइक यूज़ होता है ठीक है अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में तो इसका सबसे बड़ा कॉन्स जो मुझे ये लगता है कि इसका तार का लेंथ ना बहुत कम है ठीक है बहुत ज़्यादा कम है सेकेंड इसका से कौन ये है किसी इनकी नॉइस कैंसलेशन के लिए जाना आता है तो ये इतना नॉइस को कैंसिल करता है कि आपका खुद का नॉइज भी काफ़ी लो आता है इसमें आप अगर कंपेयर करोगे मेरे पिछले वाले बोया एम वन माइक वाला ऑडियो एंड देन इस ऑडियो से तो आपको डेफिनेटली इसका ऑडियो कम लगेगा ये बहुत सारा आपके लाउडनेस को कम कर देता है जस्ट बिकॉज टू कैंसिल दी आउटसाइड नॉइज एज वेल एंड आपका ऑडियो अल्टीमेटली काफ़ी लो आता है दैन आपको एडिटिंग में जाके उसको इंक्रीज करना पड़ता है बट या दैट इज़ वन कॉन विच आई फील एंड तीसरा ये है कि बहुत बड़ा माइक है आप देखोगे इसका इतना बड़ा कुशन लगा हुआ है एंड देन पीछे भी इसका लेंथ यू नो काफ़ी चौड़ा है तो वो सब के कारण ये एक पोर्टेबल माइक नहीं बन पाता है मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मुझे क्या होता है कि मुझे जल्दी से माइक को लेकर पॉकेट में डाल के निकलना होता है तो मैं इसको लेकर तो खैर नहीं निकल सकता तो मैं हमेशा बोया एम माइक को ही लेकर निकलता हूँ एंड okay? अब मैं आपको सैम्पल दिखाता हूँ इसका एज अ व्लॉगिंग अगर आप इसको एज अ व्लॉगिंग यू नो माइक यूज़ करोगे तो आपको कैसा साउंड आएगा सो लेट सी देट ऑल सो अभी जो आपको ऑडियो आ रहा है वो है बोया एम एम के माइक से एंड मैं अभी रूम पे हूँ ठीक है एंड मेरा भी फैन भी ऑन है जैसा कि आप देख पा रहे होगे एंड मैं आपसे नॉर्मल यू नो लाउडनेस से बात करूँ मैं बहुत जोर से नहीं बोल रहा हूँ बहुत धीरे भी नहीं बोल रहा हूँ मैं एवरेज टोन में बोल रहा हूँ एंड आप सुन पा रहे हो कि कैसा ऑडियो आ रहा है एंड ऑफ़ कोर्स मेरा घर रोड के सामने तो थोड़ा बाहर का भी अपन नोएस आ रहा होगा बट आप देखना कि वो कितना कैंसिल कर पा रहे हैं ठीक है एंड अगर बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में तो उसका प्राइसिंग ऑलमोस्ट तेरह सौ के आसपास होता है ऑफ कोर्स ये सब प्राइसिंग फिक्स नहीं होता है अमेजन में हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है बट मैं उसका बेस्ट पैरिंग के नीचे डाल दूँगा सो चेकआउट कर लेना ऑल राइट सो जो मैंने तीसरा माइक लिया है वो मैंने आज ही लिया है एंड ये एक वायरलेस माइक है इन एन रेलिवेंट प्राइस ठीक है एंड वो माइक है ये आया ये है बेसिकली मैक कंपनी का कंपनी ऐसी चाइनीज़ है ओके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना इसे बट मुझे एक वायरलेस माइक का नीड था इसीलिए मैंने लिया है ठीक है तो पहले इसको अनबॉक्स करते हैं गाइस सो right, so, अब जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो है ये वायरलेस माइक से जो कि मैक कंपनी के थ्रू इसका नाम मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है यार पता नहीं बस के एट वायरलेस माइक्रोफोन लिखा हुआ है यहाँ पे ओके एंड कंपनी का नाम है मैक का सो अभी आप बताओ कि इसका ऑडियो कैसा आ रहा है आई होप सही आ रहा होगा मैंने इसे एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है एंड इसको लेने का मेरा पर्पज़ होता है क्योंकि मेरा वीडियो आफकोर्स हमेशा बैठने वाले होता है लेकिन मैं काफ़ी सारे एंगल से रिकॉर्ड करता हूँ कभी यहाँ कभी वहाँ तो वहाँ मुझे बार बार इस वो को मूव करना पड़ता है कभी यहाँ से वहाँ ले जाओ वहाँ से यहाँ ले जाओ तो उन सब टेंशन को दूर करने के लिए मैंने ये माइक ले लिया है एंड अगर मैं उसका ऐसा कॉलम माइक यूज़ करूँ सपोज मैं इसको यहाँ पे यू रखता हूँ हेगा इस वाट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार मैं कभी ज़्यादा बोलता नहीं हूँ करने के लिए बट प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब ठीक है एंड अब बताओ कि कैसा ऑडियो आ रहा है ठीक है एंड अगर अब मैं इसको अपने मुंह के पास आता हूँ सो हे गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो <laughs> तो अब बताओ कैसा ऑडियो आ रहा है सो ऑफ कोर्स मुझे पता है कि यू नो होट के पास लाते ही ऑडियो काफ़ी अच्छा होता है एंड देन यहाँ पे जाते हल्का यू नो हल्का फेडेड होने लगता है आई डोंट नो वाई बट ऐसा हर माइक के साथ है ठीक है इसलिए आप देखोगे लोग बहुत बार यू नो एक स्टैंड लेते हैं जो जो कि यहाँ तक आता है एंड देन यहाँ पे ऐसे माइक लगा रहता है वो इसीलिए क्योंकि फेस के पास रहने से ऑडियो हमेशा साफ़ आता है बट या जो उसका प्राइस है उसके हिसाब से ये माइक काफ़ी सही है एंड ऑफ कोर्स मैं इसका प्रोज और कॉन्स के बारे में अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसको अभी लिया है तो मैंने इसका ज़्यादा टेस्टिंग किया है नहीं कि मैं अभी इसका रिव्यू दे पाऊँ आपको बट इन अ फर्स्ट लुक आई थिंक ये काफ़ी सही लग रहा है एंड जो इसका प्राइस है उसके हिसाब से इसका ऑडियो भी सही आ रहा है इसका प्राइस ऑलमोस्ट ग्यारह सौ में मैंने इसको लिया है एंड इसका भी बेस्ट बैलिंग मैं आपको नीचे दे दूँगा आप जाकर चेकआउट कर लेना एंड टॉकिंग अबाउट इट्स बैटरी लाइफ जो इसका डॉक्यूमेंशन बोलते हैं वो ये है कि ऑलमोस्ट चार पाँच घंटे चल जाता है सो आई थिंक दैट शुड बी फाइन एंड इसको कनेक्ट करना काफ़ी ईजी है इसका एक यू नो जो रिसीवर है वो आपको अपने फ़ोन में डाल देना है एंड दैट इज़ टाइप सी ओके ध्यान रखना टाइप सी है वो अगर आपके पास टाइप ए है तो उसका एक यू नो कलेक्टर भी इन्होंने दे रखा है आप अपने आईफोन में भी इसको लगा सकते हो एंड उसका जो यू नो माइक है मेन वहाँ पे एक यू नो ऑन ऑफ़ करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आप इसको ऑन कर लो एंड देन यू कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग इसका रिसीवर को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है इसका सिर्फ माइक चार्ज होता है यहाँ पे देखो एंड ये भी एक टाइप सी केबल से चार्ज आपका हो जाएगा जो कि आपको बॉक्स में मिलता है ऑलराइट गाइस सो मैंने आपको अपने तीनों माइक का रिव्यू दे दिया है अब बात करते हैं मेरे फाइनल वर्ड के बारे में कि कौन सा माइक आपको लेना चाहिए अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो तो देखो अगर आपके पास बजट है तो आप शुरुआत कर लो बोया एमॉन माइक से ठीक है ऑफकोर्स उसका लंबाई काफ़ी ज़्यादा है तो अगर आप सोच रहे हो कि आप उससे ब्लॉगिंग करोगे सो दैट वुड बी नॉट पॉसिबल लेकिन अगर आपको एक बैठने वाला वीडियो बनाना है जब जैसा कि मैं बनाता हूँ देन बोया एम एन माइक शुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू ऑलमोस्ट आठ साढ़े आठ सौ रुपए का होता है वो एंड आप उससे शुरुआत कर सकते हो लेकिन अगर आपका प्लान है कि आप एक ब्लॉगिंग सेटअप वाला माइक लो तो आपके पास दो ऑप्शन है ठीक है चाहे तो आप ले लो जो मैंने आपको दिखाया कि बोया एम एम वन माइक ठीक है लेकिन ट्रस्ट मी उससे बहुत अच्छा ऑडियो नहीं आता है आपने मैं रिव्यूज़ में देख लिया होगा कि बहुत, बहुत बाहर का नॉइज लेता है बहुत डल नॉइज़ आता है उससे कि बहुत सही नहीं है वो माइक व्इंग के लिए व्लॉगिंग के लिए आप क्या करो चौदह का वो माइक लेने से बजाय इसको ले लो ग्यारह के आसपास ठीक है एंड अगेन अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो चार पाँच घंटे छः घंटे गंट, आठ घंटे तो ये डिस्टर्स हो जाएगा लेकिन अगर आप व्लाइंग कर रहे हो दो तीन घंटे दैन दिस कुड बी द बेस्ट ऑप्शन बढ़े ग आपको क्या लेना और क्या नहीं ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके यूज़ केस के ऊपर ठीक है बट मैंने आपको तीनों का ब्लंड और जेन ओपिनियन बता दिया है ठीक है एंड गेस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो सो थैंक यू वॉचिंग नेक्स्ट टाइम टेक केयर